नई दिल्ली रेल डिवीजन के अंदर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर शुरू कर दी गई है, यानी किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अगर उसे ज़रूरत है तो वहाँ पर पहले से वो बुक करा सकता है। आखिरकार पूरी व्यवस्था क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली डिवीज़न के DRM हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो डिम्पी गर्ग जी से पूछते हैं, सर निजामुद्दीन पे जो आपने किया है उसके बारे में बताइए। कि ऐसा है कि व्हीलचेयर की हमेशा प्रॉब्लम रहती थी हमारे जितने फिजिकली चैलेंज्ड पैसेंजर्स हैं उनके लिए, तो एक हमने सोचा उनके लिए एक सुविधा का हम लोग आरंभ करें, जिसमें हमने क्या किया है कि एक ऐप के द्वारा आप व्हीलचेयर की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। 250 रुपये किराया है इसका। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर है जिस पे एक अटेंडेंट रहता है, वो जहाँ पे आपने कहा आने को वहाँ जाएगा, आपको पैसेंजर को पिकअप करेगा और गाड़ी की सीट गाड़ी के कोच तक आपको ले जाके वो बैठाएगा। तो उससे क्या है कि पैसेंजर एडवांस में अपना बुक कर सकता है, किसी के पास मान लीजिए एडवांस में बुक करना भूल गया तो स्टेशन पे भी हमने प्रावधान कर रखा है कि एक जगह जहाँ पे जाके वो अपना उसको बुकिंग कर सकता है। इससे फैसिलिटी क्या हो जाएगी कि पैसेंजर को व्हीलचेयर जाके लेनी नहीं है और ना ही वापस करनी है, नहीं तो पहले अभी हमारे समय में उसको पैसेंजर को व्हीलचेयर SS के कमरे से जाके लेनी होती थी, उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद वापस भी करना पड़ता था। तो अब इससे क्या है कि पैसेंजर की सुविधा बहुत बढ़ गई है, अब उसको केवल ऑनलाइन ऑर्डर करना है उसको और आदमी व्हीलचेयर के साथ अवेलेबल हो जाएगा जो उसको आराम से बैठा के कंफर्टेबल सीट में बैठा के उसको अपने कोच तक ले जाएगा। सर कितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर्स हैं? ऐसा है कि वहाँ पर 4 हैं, निज़ामुद्दीन में भी हमने 4 का प्रबंध किया, अगर हमें लगा कम है तो हम इसको और भी बढ़ाएंगे। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में भी हम ये स्कीम चालू करने वाले हैं, तो कल से या मोस्ट प्रॉब्ली इस हफ्ते के एंड तक हम नई दिल्ली में भी चालू कर देंगे। उसमें हमने नई दिल्ली में 8 व्हीलचेयर का प्रबंध रखा है और फिर पुरानी दिल्ली में भी 4 व्हीलचेयर का हम प्रबंध करने की सोच रहे हैं। सर ये जो व्यवस्था की जा रही है इसके जो ऐप का क्या नाम है, जो ऐप जिस पर बुकिंग होनी है अगर हम उसकी बात करें तो, क्योंकि सबके लिए ये सुविधा है एक तरीके से, क्या नाम है इस ऐप का सर और कहाँ पर सर प्ले स्टोर पे कैसे इसको सर्च करें? ये ई व्हील चेयर करके नाम है जिससे आप अपने ऐप से बुक कर सकते हैं। ये हमारे जो ऐप्स का स्टोर होता है वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने यहाँ इस पर अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट एंड लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं इसको। डिम्पी जी एक और सवाल उठता है, आपने कहा कि कुलियों की बुकिंग के लिए भी कोई ना कोई ऐप बना रहे हैं आप लोग, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐप पर अपना कुली बुक कराएं, तो उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था है और क्या नाम रखा गया है अगर बन गया है? देखिए अभी ये इस पर अभी हमने कोई खास प्रगति नहीं हासिल की, अभी ये कॉन्सेप्ट स्टेज पे ही है। तो अभी हम लोग इसको ये प्लान कर रहे हैं कि एक ऐप डेवलप करें, जैसे कि ये ई व्हील चेयर वाला इसी तरह का एक ऐप हम डेवलप करें जिस पे कि आप एडवांस में अपना बुकिंग कर सकें कुली की, और जब आप आएँ तो आपको आपकी गाड़ी पे या आपके प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको चाहिए वो कुली मिल जाएगा। और क्योंकि ऐप के द्वारा होगा पेमेंट आपका, सो आपको कोई कैश देने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कई बार कुली लोग ओवरचार्ज करने की कोशिश करते हैं वो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं, उम्मीद है कि नेक्स्ट 4-6 महीने में हम इस पर कुछ आप लोग को करके दिखा पाएंगे। निम्पी जी आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली डिवीज़न के साथ साथ हम कह सकते हैं रेलवे तमाम कोशिश कर रही है कि लोगों की सुविधा बढ़ाई जाए और आसानी से वो चीज़ें हो सकें जिनके लिए लोग परेशान होते हैं। सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज़ स्टेशन।